नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए कौन कौन सी राशियां हैं जो फ्रूटफुल नहीं होती हैं, जिनके साथ जब ये कोई व्यवसाय करते हैं या कोई संबंध करते हैं जिनके जीवन में पीड़ा प्राप्त होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि मिथुन राशि वाले लोग होते कौन हैं या इनकी क्या गुण है। जिस किसी की कुंडली में पत्री में चंद्रमा 3 नंबर राशि पे हो, उन सभी का मिथुन राशि होता है। मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध है, यह 2 स्वभाव की राशि है और काल पुरुष के 3रे नंबर की राशि है। हमने इनके स्वभाव के बारे में जो अपना अनुभव देखा है, ये लोग अकेले रहना कम पसंद करते हैं। समाज के बीच में रहना, हंसी खुशी का माहौल रखना, एक दूसरे से बातचीत होता रहे, इन्हें आनंद आता है। मैंने कई बार देखा जब इनसे कोई नाराज होता है तो इनको बड़ी पीड़ा होती है। ये चाहते हैं कि सबके साथ हमारे संबंध काफ़ी अच्छे रहें। साथ में एक बात और इनमें पाई जाती है कि किसी भी चीज़ को जल्दी सीख लेते हैं, जिस कारण से इनके अंदर कई गुण पाए जाते हैं। लेकिन हाँ, किसी एक गुण में बहुत खास हो पाए, इसमें दिक्कत आती है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अपने काम या प्रोफेशन में ये चेंजिंग भी करते हैं। कई बार देखा गया है कि 1 या 2 नौकरी या व्यवसाय छोड़कर 3रे व्यवसाय में जाते हैं और यह चेंजिंग कई बार इनको नुकसानदेह भी होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम इनको देखी जाती है। टेंशन के नाते शुगर या किडनी या गॉलब्लैडर में स्टोन आदि या कब्जियत की प्रॉब्लम, यह भी खूब इनके अंदर देखी जाती है। अब बात करते हैं कि किन किन राशियों के साथ इनका संबंध अच्छा नहीं रहता है। सबसे पहली राशि की बात करें, ऐसे तो बुध और सूर्य के बीच संबंध अच्छा होता है, लेकिन सिंह राशि वालों के साथ इनके वैचारिक मतभेद होना या सामाजिक रूप से कई बार देखा गया है कि दोनों का ईगो क्रैश करता है। ये एक दूसरे को मानसिक रूप से विरोधी महसूस करते हैं, जिस कारण से दोनों के बीच में कई बार विवाद होते हुए देखा जाता है। 2रे नंबर की राशि जो सबसे ज़्यादा इनको पीड़ा दे सकती है, वृश्चिक राशि। मैंने बहुत बार देखा है कि अगर इन्होंने वृश्चिक राशि के साथ व्यवसाय किया तो घाटा या कर्ज की स्थिति होना, दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद के अलावा दोनों पार्टनर में कोई न कोई हेल्थ वाइज भी परेशान होने लगता है। इस राशि से खास तौर से इनको दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो इनके जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। अब 3रे नंबर की राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के साथ जब इनका संबंध होता है तो मैंने देखा इनके जीवन में सडन समस्याएं आने लगती हैं। कई बार तो हमने देखा है कि चलता फिरता काम रुकने लगता है। घर में एक दूसरे के साथ अगर ये रहते हैं तो इन दोनों में एक दूसरे के प्रति कुछ निगेटिव धारणाएं रख लेने का भी संयोग बनता है, जिस कारण से इनके मन में अपार पीड़ा बनी रहती है। अब हम 3रे और 4थे नंबर की राशि की बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मिथुन राशि वालों को मेष राशि से बिल्कुल बच के रहना चाहिए। इनसे दुश्मनी, मित्रता, विवाद, बहस, तीनों स्थिति अच्छी नहीं होती। हाँ, ये बगल रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा पूर्ति बढ़ती है, आपकी चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन आपने रिलेशनशिप ज़्यादा किया तो आपको प्रॉब्लम आनी तय है। वृष राशि के साथ आपके संबंध ठीक, लेकिन इनके आने के बाद आपके खर्च, आपकी बेचैनी, आप थोड़ा सा अलग सा फील करने लगेंगे। कई बार तो मैंने देखा है कि मिथुन को जब वृष मिलता है तो खराब आदतें भी इन बच्चों में आने लगती, युवाओं में आने लगती, औरतों में आने लगती। इस नाते आपको इन राशियों से अपने आप को बचा कर रखना है। तो मित्रों, आज हमने एक बात की कि मिथुन राशि वाले किन किन राशियों से संबंध संभाल के रखें। आपको अपनी कुंडली दिखानी हो, वास्तु के बारे में जानना हो या ज्योतिष सीखना हो,
दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, मिथुन राशि वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, श्रीराधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।